हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप सबको हैप्पी दिवाली। गाइस टुडे आई एम गोइंग टू मेक फिश करी विथ मस्टर्ड। वेरी सिंपल एंड इजी करी। पहले मैं इंग्रेडिएंट शेयर कर लेती हूँ। जो जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है, टोमेटो 2, अनियन 2, ग्रीन चिली 7 से 8, 10 से 11 लहसुन की कलियां लिया है, जिंजर 1/2 पीस। अब मैंने लिया है एक ग्राइंडर जार। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन। ज़्यादा मेहनत झंझट करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान, सिंपल एंड टेस्टी फिश करी बनके तैयार होगी। मैंने ऐड किया है ग्रीन चिलीज, 1/2 पीस अदरक। अब मैं कट लगा रही हूँ अनियन। ज़्यादा बारीक बारीक काटने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह मोटी मोटी सी कट लगा देना है क्योंकि इसे पीसना है। अब मैं काट रही हूँ टोमेटो, इसे भी मैंने इस तरह मोटे मोटे से कट लगा दिया है। सारी मसाला मैंने पीसकर तैयार कर लिया है। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड पास में घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको इजी, क्विक एंड टेस्टी रेसिपीज देखने मिले। मैंने मसाला एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। फिश करी के लिए पहले मसाला प्रिपेयर करके रखना है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड किया है, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, करिंडर पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए रेस्ट में रखना है ताकि मसाला अच्छी तरह फूल जाए। अब मैंने लिया है फ्रेश फिश, इसे मैंने पहले से वॉश करके इस तरह कट कर रखी है। अब मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अब इसे मिक्स करना है। मैंने पहले से कढ़ाई गैस में चढ़ा दिया है, ऑयल गरम करके रेडी करके रखी है। मैंने गरम ऑयल में डाल दिया है जो फिश मैंने मैरिनेट करके रखी थी, इसे मैंने डाल दिया है। अब इस तरह दोनों साइड से फिश फ्राई करना है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये फ्रेश फिश है इसलिए सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिश फ्राई हो गया है। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकालकर एक प्लेट में रखती हूँ ट्रांसफ़र करके। अब मैं जो मसाला प्रिपेयर करके रखी थी इसी ऑयल में डाल रही हूँ। मैंने और ऑयल ऐड नहीं किया है। मैंने यहाँ टोटल 1 बिग टीस्पून ऑयल ऐड किया था। मसाला फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज में मैंने ऐड किया है वाटर 1 कप। बिना ढक्कन लगाए इस तरह 2-3 मिनट कुक करना है। 2-3 मिनट कुक करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। अब मैंने ऐड किया है फ्राई फिश, जो फ्राई करके रखी थी फिश, इसे मैं डाल रही हूँ। अब इसे कुक होने देते हैं। अब इस तरफ मैंने जो मस्टर्ड सीड्स पाउडर लिया है इसे प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स पाउडर लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ वाटर 2 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। गाइस आप चाहो तो मस्टर्ड लेकर ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके भी ले सकते हो। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इस स्टेज में डाल रही हूँ फिश करी में मस्टर्ड, जो मैंने प्रिपेयर करके रखी है। मस्टर्ड डालने के बाद और 5 मिनट कुक करना है। अब मैंने ऐड किया है नमक। नमक आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा।
5 मिनट बाद अब मैंने ऐड किया है करिंडर लीव। गाइस आप देख सकते हो मस्टर्ड फिश करी बनके तैयार है। अब मैं इसे एक बोल में सर्व कर रही हूँ। वेरी इजी क्विक एंड टेस्टी मस्टर्ड फिश करी बनके तैयार है। गाइस आप इसे डिनर या लंच के टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। इसे बनाना कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से यह बनके तैयार हो जाती है। ट्राई दिस रेसिपी, वेरी सिंपल इजी क्विक एंड टेस्टी फिश करी बनके तैयार है। गाइस आपको ये रेसिपी कैसे लगी है कमेंट में बताइए। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करे, शेयर करे। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करें ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।